Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So, आज मैं जो टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस लेके आया हूँ या जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर पेपर 1, फॉर योर UGC NET Exam. So, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल अनुज जिंदल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रीसेंट अपडेट्स मिलती रहें. सो टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से किया जा सकता है अगर आप अपने आप को इस तरह से देखते हैं और सोचते हैं कि आप एज अ टीचर कैसे बिहेव करते हैं स्टूडेंट्स के साथ. सो ये बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक है. सो मैं कुछ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ अ टीचर. सो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आउट ऑफ ऑल द टास्क जो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक टीचर को परफॉर्म करनी होती है या इतनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती है इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है. सो आइए ऑप्शंस को देखते हैं. मेंटेनिंग मंथली अटेंडेंस. आई एम श्योर कि जो कुछ टीचिंग प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं वो इस काम को काफ़ी बोरिंग समझते हैं कि प्रॉपर अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है, क्लरिकल वर्क होता है. सो डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द टास्क बट इट इज़ नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. तो ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए. सेकंड, चेकिंग द असाइनमेंट्स. अगेन हम रेगुलर स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देते रहते हैं सो अगेन उसको चेक करना पड़ता है. अगेन अ इंपॉर्टेंट टास्क बट नॉट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. सो अगेन ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए. सी, गाइडिंग द स्टूडेंट्स टूवर्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज. अब किसी भी टीचर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है, वो सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती कि वो उनको एकेडमिक नॉलेज दे या फिर सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज दे, बल्कि इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो उनकी थिंकिंग एबिलिटीज को इस तरीके से डेवलप करे कि वो आगे जाके डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकें इन टर्म्स ऑफ बोथ पर्सनल एज वेल एज करियर डेवलपमेंट. सो पर्सनल एज वेल एज करियर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है एक टीचर का. सो डेफिनेटली ये आंसर होना चाहिए बट फिर भी एक बार फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं. पनिशिंग द स्टूडेंट फॉर अ रॉन्ग डूइंग. सो डेफिनेटली हम कई बार जब स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं तो हम उन्हें पनिश करते हैं, समझाते भी हैं बट डेफिनेटली दिस इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, दैट इज गाइडिंग द स्टूडेंट्स टूवर्ड्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज. इसी टाइप के बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस क्वेश्चन आते हैं आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में. सो बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और ये देखना है कि एज अ टीचर आप कैसे रिएक्ट करते या फिर कैसे रिस्पॉन्ड करते स्टूडेंट्स की तरफ. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the following is an important initiative of the government to achieve the three cardinal principles of education policy? New education policy के बारे में बात हो रही है जिसके तीन important principles हैं, access to education, equity ताकि सबको मिले education whether it be of any caste or any religion and quality of education हम provide कर सके. तो ये new education policy के one of the agendas के अंदर था. सो हमें बताना है कि इस agenda को fulfill करने के लिए government ने काफ़ी सारे initiative लिए थे. सो आइए option देखते हैं. Is it ज्ञान, इज इट स्वयं, इज इट मूक्स और इज इट कौशल भारत एंड कुशल भारत. अब ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है तो मैं चाहता हूं कि आपको डायरेक्ट आंसर ना बता के मैं पहले आपको चारों टर्म समझाऊं ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कुछ फ्यूचर में मिलते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकें. तो सबसे पहले ज्ञान के बारे में बात करते हैं विच इज ग्लोबल इनिशिएटिव. ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स. तो ये फुल फॉर्म है That is Global Initiative of Academic Networks. और इसका aim ये था कि जो globally recognized बहुत ही अच्छे professors हैं उनका tie up कराया जाए इंडिया के top institute से, that is IITs and IIMs से, ताकि जो हमारा research है and the quality of education ये दोनों ही enhance कर सके. तो basically हम collaborate करने वाले हैं world class professors के साथ. तो ये इनिशिएटिव था ज्ञान का, इसके बारे में समझ लिया हमने. अब बात करते हैं स्वयं. अब स्वयं एक कोर्स है मूस के अंदर, दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो लेके आए गए थे ताकि दूर दूर लोग बैठे बैठे भी बहुत सारे कोर्सेज जो भी पढ़ना चाहते हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो कॉलेज विजिट करके नहीं पढ़ सकते हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए पढ़ सके. उसी के अंदर एक इनिशिएटिव था स्वयं में जो रिफ्रेशर कोर्स है एक टाइप का टीचर्स के लिए जो काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज प्रोवाइड करता है टीचर्स को ब्रॉड लेवल पे ताकि उनको सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो सके. और मूक्स के अंदर स्वयं एक ऐसा कोर्स था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, डेट इज़ MHRD का, जिसका एम ये था कि हम इन तीनों कार्डिनल प्रिंसिपल्स को अचीव कर सकें, डेट इज़ एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी. सो क्लियर कट हमारा ये आंसर हो जाएगा. अगर आपको स्वयं के बारे में पता है तो आप बहुत ईजिली इस आंसर को कर सकते हैं. फिर भी बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. मूक्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, दैट इज इट इज़ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए है कि आप जाके उसके कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पढ़ सकते हैं.
और घर बैठे चीज़ों को सीख सकते हैं। लास्ट इज कौशल भारत कुशल भारत। ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर एक इनिशिएटिव था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिसके अंदर एम ये था कि आप स्टूडेंट्स को एज वेल एज यंग यूथ को स्किल इन इंडिया की तरफ स्किल्स को सिखा सके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुश दे सकें स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को। सो ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो आपने इस तरीके से चारों इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ लिया, और यहाँ जो हमारा क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वयं, डेट इज बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the below mentioned methods are best used to understand the interpersonal relationship between the individuals? अब इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी दो लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रही है, उनके बीच में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है, और क्या वो एक दूसरे के एक्चुअल बिहेवियर को समझ पाते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें इंटरपर्सनल स्किल के अंदर आती हैं। तो इससे रिलेटेड हमें ये चीज़ देखनी है कि कौन सा मेथड जो है जो इंटरपर्सनल स्किल को सबसे बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करता है। आइए पहले ऑप्शन को देखते हैं। लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट की एक टीचर आता है और वो आपको किसी टॉपिक पे भी लेक्चर देता है या फिर डिस्कस करके चला जाता है। तो डेफिनेटली इसका तो बिहेवियर से या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, रोल प्लेइंग। अब रोल प्लेइंग में स्टूडेंट्स होता क्या है कि कई बार काफ़ी सारे मेथड्स यूज करके एक ही एक ग्रुप ऑफ पीपल को, लेटर से चार पांच ग्रुप ऑफ पीपल हैं या सिर्फ दो लोग ले लेते हैं, ए एंड बी ले लेते हैं, उन्हें अलग अलग सिचुएशंस दी जाती है। लेटर से कि कभी हमने ए को बॉस बना दिया और बी को एम्प्लॉय बना दिया, या फिर कह सकते हैं जूनियर बना दिया, और कई बार हम इस पोजीशन को रिवर्स कर देते हैं। अब इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस ये होता है कि जब एक इंसान अपने आप को एज अ बॉस एज वेल एज एम्प्लॉय टीच की तरह ट्रीट करता है, तो वो सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझ पाता है कि अगर सामने वाला किसी तरीके से बिहेव कर रहा था तो वो क्यों कर रहा था। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने में, क्योंकि जब आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझ पाते हैं, जब आप समझ पाते हैं कि सामने वाला किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, तो आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखते हैं एंड आप उसकी चीज़ों को समझ पाते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो रोल प्लेइंग इज द बेस्ट मेथड टू डेवलप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सो ये हमारा क्लियर कट आंसर होगा, बट दोनों टर्म्स को और समझ लेते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस समथिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू कम अप विथ मल्टीपल आइडियाज। आप एक ग्रुप ऑफ पीपल साथ में ग्रुप डिस्कशन के लिए बैठते हैं, कोई किसी के आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं करता, बल्कि जो भी ऑल्टरनेटिव्स निकल के आते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सारे नोट किए जाते हैं एंड लास्ट में एक एक करके उनको डिस्कस किया जाता है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड होता है। सेमिनार, जैसे आपको पहले ही पता है कि सेमिनार एक टाइप का सिचुएशन होती है जहाँ पे आप अलग अलग टॉपिक्स पे आके अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं और उस चीज़ के बारे में जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं उनको इनलाइटन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, GST जब आया था तो आपने बहुत ज़्यादा GST से रिलेटेड सेमिनार के बारे में सुना होगा कि जो बहुत ही रिनोन्ड पर्सनालिटीज़ हैं टैक्स के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या एरिया में, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेमिनार्स कंडक्ट कराए थे लोगों को GST के एंड उसके इफेक्ट्स के बारे में बताने के लिए। सो इसी तरीके से बहुत सारे सेमिनार्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो क्लियर कट आंसर है जो इंटरपर्सनल रिलेशन से रिलेटेड है वो है रोल प्लेइंग। सो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात हो रही है जो कि एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है। यूजिंग एन एप्पल मेड टू फॉल ऑन द ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द मेथड्स ऑफ टीचिंग। सो मेथड्स ऑफ टीचिंग से देखा गया है कि काफ़ी पास्ट ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं। सो मैं अर्ज करूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि जितने भी मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं या जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर जो भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको बिल्कुल थॉरो कर लें, ताकि जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। सो यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी को दिखाने के लिए या सिखाने के लिए स्टूडेंट्स को अगर एक एप्पल को ग्राउंड पे दिखाया जा रहा है तो ये किस टाइप का मेथड ऑफ टीचिंग है। एक बार ऑप्शन को देखते हैं। लेक्चर मेथड। ये लेक्चर मेथड तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कोई टीचर हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा या नॉलेज नहीं बता रहा है हमें, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है। सो लेक्चर मेथड आंसर नहीं होना चाहिए। ट्यूटोरियल्स होते हैं, चैप्टर्स को देखना, चैप्टर्स को पढ़ना, ट्यूटोरियल्स लेना, इसके अंदर हमें पढ़ाया जाता है। ये बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं, सॉरी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में बात करूं तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि कोई भी एक प्रिंसिपल, बी इट इन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स और इट बी द प्रिंसिपल ऑफ समथिंग एल्स सच एज केमिस्ट्री और एनीथिंग एल्स, आप उसे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं
थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल. सो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एप्पल को ग्राउंड पे गिरा के दिखाया कि लॉ ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से एप्पल को अपनी तरफ पुल करती है और वो कितनी स्पीड से नीचे जाता है. तो ये सब मेजरमेंट की जा सकती है फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के अंदर. सो ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है. क्लियर कट हमारा आंसर यही होना चाहिए. ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं एक बार. रोल प्लेइंग, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि जब आप काफ़ी सारे सिचुएशंस में आपको डाला जाता है ताकि आप दूसरे का व्यू पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव समझ सकें और उससे आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस डेवलप होते हैं तो उसे रोल प्लेइंग मेथड कहते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटी को एक एप्पल फॉलिंग के एग्जाम्पल से डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन भी है ये हमारा. एटीट्यूड ऑफ अ टीचर कैन बी रिफर्ड एज विच टाइप ऑफ डोमेन. सो इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आया, कई बार स्टूडेंट्स को ये टॉपिक टफ लगता है. सो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम तीनों टाइप ऑफ डोमेन को समझ सकें. आइए एक बार ऑप्शन को देखते हैं. इफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और साइको मोटर डोमेन, एंड डी इज नन ऑफ द अबव. सो नन ऑफ द अबव तो आंसर नहीं है हमारा. यहाँ पे एक बार तीनों को समझ लेते हैं. साइको मोटर डोमेन का मतलब ये होता है कि फिजिकल एज वेल एज मोटर एबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल आपकी मोटर एबिलिटीज चीज़ों को समझने की कैसी है. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर हम ड्राइविंग स्किल्स की बात करें कि अगर हम कहते हैं किसी की ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी है, उसको डायरेक्शंस का बहुत अच्छा आइडिया है एंड उसकी एबिलिटीज ये सब बहुत अच्छी हैं, तो वो साइको मोटर डोमेन के अंदर आएगा और हम कहेंगे कि उसकी फिजिकल काम करने की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, स्किल्स या फिर बहुत अच्छी है. सो इसके अंदर तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एटीट्यूड से रिलेटेड बात हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. जब हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं तो कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू थिंकिंग एबिलिटीज. आपकी सोचने की शक्ति कैसी है, आपका इंटेलेक्ट कैसा है. सो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं, इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं कि आप चीज़ों को कितने अच्छे से, कितने अलग अलग एंगल से एंड पर्सपेक्टिव से समझ पाते हैं, तो हम उसे कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं. ए ऑप्शन जो है वो है अफेक्टिव डोमेन, जिसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में किस तरीके का बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किस तरह रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली एक बिहेवियर है या फिर आप कह सकते हैं कि इमोशंस को आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं उन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में. सो ये आपका एटीट्यूड का पार्ट बन जाता है, बिकॉज जैसा आपका एटीट्यूड होता है, जैसी आपकी पर्सनालिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आप सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं, बी इट इन द फॉर्म ऑफ आप किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हैं या आप गुस्सा हैं या किसी भी सिचुएशन में. सो जो मोस्ट सूटेबल आंसर जो एटीट्यूड से रिलेट हो रहा है यहाँ पे वो है अफेक्टिव डोमेन, क्योंकि ये दिखाता है कि आप किस तरीके का बिहेवियर रिप्रेजेंट करेंगे और एटीट्यूड एक बिहेवियर का पार्ट है. सो ये हमारा आंसर हो जाएगा. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप कि जो हमने ये 5 क्वेश्चंस आज टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड किए हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं. साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके एग्जाम्स क्योंकि बहुत पास आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर सकें अगर आपने सिलेबस में कुछ टॉपिक्स कवर नहीं भी किए हैं. सो यही इस टाइम का अप्रोच होना चाहिए. टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.